नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके फ़ोन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। जी हां दोस्तों, देखिए हमारे फ़ोन सभी के इस तरह से सिंपल नज़र आते हैं। देखिए आप भी मेरा फ़ोन देख रहे हैं, तो इस तरह के जो सिंपल फ़ोन होते हैं उस पर कोई भी नज़र नहीं रखता। लेकिन आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा उससे आप अपने फ़ोन पर चार चांद लगा सकते हैं, यानी कि आपका फ़ोन जो है वो सबसे अलग हटके बन जाएगा। और यकीन मानिए जब आप इस तरीके का यूज़ करेंगे जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो सभी जो भी आपके दोस्त या आपके परिवार वाले जब भी आपके फ़ोन को देखेंगे तो वो आपसे जलने लगेंगे। तो बस आपका टाइम ना लेते हुए हम बात करते हैं कि वो क्या तरीका है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको एक एप्लीकेशन के बारे में, सबसे पहले मैं आपको उसको यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो पहले आप उसको समझ लीजिए। देखिए ये एक एप्लीकेशन है जिसको मैंने अपने फ़ोन पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहें तो आप उसको, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए कि ये क्या चीज़ है और कैसे काम करती है। देखिए जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद क्या, सिंपली आपसे कुछ नहीं पूछता, सिर्फ नॉर्मली वो ऐसे आइकन आपके पास आ जाएगा, उसे आप ओपन कर लीजिए, ठीक है? जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपको देखिए एक इनेबल करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि मेरे को यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनेबल नोटिफिकेशन, मतलब हमें नोटिफिकेशन को एक्सेस को इनेबल करना है, ओके करना है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पूछा गया आपको भी आगे स्क्रीन पर जैसे ही ओके या इनेबल पूछा जाता है आप उसको इनेबल कर दीजिएगा। तो मैं आपको पूरी चीज़ यहाँ पर करके दिखाता हूँ, ठीक है? अब देखिए मैं यहाँ पर इसको इनेबल कर रहा हूँ। आप देखिए ऊपर नंबर का जो ऑप्शन है इस पर हमें ओके कर देना है। अब मैंने इसको ओके कर दिया है, इसका मतलब है कि मैंने इसे परमिशन दे दिया एप्लीकेशन को कि मेरे फ़ोन पर ये रन कर सकती है, यानी कि अपना काम दिखा सकती है। अब देखिए आपको बहुत सारे ये डिस्प्ले हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा लाइटिंग कितनी सारी चल रही है, तो बस यही हमारे फ़ोन को चार चांद लगाएगी। अब इसमें बहुत सारे तो लॉक लगे हुए हैं, बहुत सारे अनलॉक हैं, और अनलॉक करने के लिए भी, यानी कि उनको यूज़ करने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक छोटी सी वीडियो होती है उसे आप देखिए तो सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे, और काफ़ी इसमें आपको पहले से ही मिले हुए हैं। अब चलिए मान लीजिए मैं आपको एक ये देखिए ये वाला जो है इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि ये मतलब काम कैसे करेगा। अब मैंने देखिए अब ये इसको मैंने क्लिक किया, इस तरह का एक पेज आ गया मेरे फ़ोन पर। अब आप यहाँ पे देखें नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ये सेट फॉर ऑल, ठीक है? सेट फॉर ऑल या फिर किसी एक बंदे के लिए भी आप इसको सेट कर सकते हैं, यानी कि आपको पता चल जाए किसी एक खास बंदे का फ़ोन आ रहा है, या फिर आप सभी के लिए सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको सेट फॉर ऑल कर दिया है, ठीक है? मैंने इसको सेट फॉर ऑल कर दिया है। अभी हम यहाँ पर बैक हो जाते हैं, अभी मैंने इसको सेट फॉर ऑल कर दिया आपके सामने। अब चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका काम क्या होगा, ठीक है? अब देखिए मैं आपको फ़ोन करके दिखाता हूँ अपने फ़ोन के ऊपर ही, ठीक है? अब देखिए इसका काम अब स्टार्ट होगा। जैसे ही हमारे फ़ोन पर कभी भी किसी का फ़ोन आएगा तो देखिए हमारे फ़ोन का लुक कैसे बदल जाएगा। तो मैं अपने फ़ोन पर एक कॉल करके आपको दिखाता हूँ, तो आप भी देखिए उसको। तो मैंने यहाँ पर अभी अपना नंबर डायल किया है, अभी देखिए आप किस तरह से रिंग होगी या किस तरह से कॉल आएगा मेरे फ़ोन के ऊपर, आप भी देख सकते हैं। और जैसे ही लुक यहाँ पर नज़र आएगा उसी तरह से आप भी अपने फ़ोन का लुक जो है वो बहुत ही खास बना लेंगे, ठीक है? अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कॉल आ रहा है या नहीं आ रहा। प्लीज़ आप साथ में बने रहिए क्योंकि अभी कॉल आने में टाइम लगता है। देखिए अभी देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरे फ़ोन पर मैंने अपने दूसरे सिम से कॉल किया है तो आप देख सकते हैं किस तरह से इंटरफेस आया और किस तरह से लाइटिंग ब्लिंक करने लगी है। तो जब भी आपके फ़ोन में इस तरह से कोई देखेगा तो वो भी सोचेगा यार कमाल है, इसने फ़ोन में पता नहीं क्या कर रखा है, हमें भी ऐसा काश कुछ मिल जाए। तो बहुत ही अच्छी एक चीज़, इसे आप ट्राई करके ज़रूर देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और बहुत सारे आपको इसमें ऑप्शन मिल रहे हैं, ये तो मैंने आपको एक सेट करके दिखाया था, इसमें आपको बहुत सारे अलग से ऑप्शन भी मिल रहे हैं। आप चाहें तो उनमें से भी जो भी आपको अच्छा लगता है आप उन्हें भी चूज़ कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको ये वाला करके दिखाया था अपनी स्क्रीन पर सेट करके। इसी तरह से आप यहाँ से बहुत सारे देखिए, आपको बहुत सारे पैम्पलेट यहाँ पर दिखेंगे, आप इनमें से जो भी आपकी पसंद के हों आप उन्हें चुन सकते हैं, अपने मूड के हिसाब से आप उन्हें अपने फ़ोन पर सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो एक ही सभी के लिए सेट कर सकते हैं या फिर आप सभी के लिए अपने अलग अलग दोस्तों के लिए यहाँ से अलग अलग पैम्पलेट को भी सेट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे एक वीडियो कि आप किस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन को एक अलग लुक दे सकते हैं, थोड़ा एक हटके लुक दे सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिए, एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।